स्वागत है दोस्तों मेरे एक न्यू ब्लॉग में आपका। दोस्तों इस समय मैं पहुंचा हूं लाल किला। तो दोस्तों यहां लगा हुआ ईद मिलन महोत्सव मेला। तो दोस्तों यहां पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेले चल रहे हैं, ठीक है। और तीनों की टिकट जो बिल्कुल फ्री है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। और इसमें भी लगा हुआ है अंडर वाटर फिश टनल, जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी टनल बताई जा रही है 600 फीट। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि और मेलों में जो एंट्री थी ना अंडर वाटर के जरिए एंट्री थी, 100 रुपये टिकट लेके ही आपको अंदर जाना है, लेकिन इस मेले में जो है ना बिल्कुल एंट्री फ्री है, ठीक है। अंडर वाटर टनल जो है मेले के अंदर बनाया हुआ है, यदि आपको देखने की इच्छा है तभी आप देखें, 100 रुपये टिकट बताई जा रही है, बाकी मेले की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो चलिए चलते हैं, पहले अंडर वाटर टनल दिखाते हैं आपको, उसके बाद मेले के दर्शन कराएंगे। जैसे मैंने बताया विश्व की सबसे बड़ी टनल 600 फीट अंडर वाटर फिश टनल, ठीक है दोस्तों। तो 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, ये 28 अप्रैल तक चलने वाला है। यदि आप आना चाहते हैं तो जामा मस्जिद का नजदीक मेट्रो स्टेशन में लाल किला भी है, ठीक है, लेकिन अंडर वाटर फिश टनल यदि आप स्पेशल देखना चाहते हैं तो जामा मस्जिद ही पास पड़ेगा, गेट नंबर 3, और लाल किला उतरना चाहेंगे तो गेट नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, दिखाते हैं आपको, रहना वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों ये है मेन गेट, चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं इस मेले में और आपको दिखाते हैं अंडर वाटर की वो सबसे बड़ी टनल जो विश्व की सबसे बड़ी बताई जा रही है। पहले एंट्री तो कर ली है, ठीक है, ये मेला बिल्कुल एंट्री फ्री है, कोई इसका पैसा चार्ज नहीं है। और अंडर वाटर जो ये है इधर बनाया हुआ है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अंडर वाटर टनल देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं। इसकी टिकट जो है 100 रुपये है, ठीक है, चल। तो दोस्तों मैंने टिकट ले ली है, 100 रुपये की टिकट है, ठीक है। और 3 साल तक अगर बच्चा हुआ तब भी आपकी जो है भाई 100 रुपये लग जाएगी भाई, 3 साल के बच्चे की भी। तो जी दोस्तों टनल में अंदर घुसते ही आपको भाई साहब ये मिल जाएंगे, भाई साहब किंग कॉन्ग। दिखाते हैं आपको फिश, तो सबसे पहले जो है आपको देखने को मिल जाएगी ये वाली मछली, ये देखिए वाइट वाइट मछली, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो दोस्तों टनल में तो बिल्कुल शांति है, शांति इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें मेला जो है बिल्कुल एंट्री फ्री कर रखी है, जिसको अंडर विश टनल देखना है वो आके देख सकता है। औरों मेले में क्या था ना एंट्री टनल से ही थी, ठीक है, यानी कि 100 रुपये टिकट लेनी है आपको, अंडर विश टनल देखते ही हुए आपको अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेला अलग है। तो भाई साहब ये देखो सबसे बहुत छोटी मछली, देखो अभी दिखाता हूँ आपको गाइस, ये देखो कितनी छोटी छोटी मछली हैं, बिल्कुल बारीक बारीक मछली, वाह बिल्कुल जरा जरा सी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखो इस तरह से जो टनल बनाया हुआ है, ठीक है, और ये साइडों में जो है इस तरह से ये ग्लास लगा रखे हैं दोनों तरफ, ठीक है, और इन सब में जो है मछलियां हैं छोटी छोटी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और आगे बढ़ते ही हैं, हमने आपको अभी दिखाया आपको, ये देखिए इस तरह से मछलियाँ हैं जैसे और मेलों में थी, ठीक है, वही हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा। तो इसके बाद दोस्तों तो ओहो बस ये असली नज़ारा, बढ़ते हैं अंदर। तो दोस्तों यार मज़ा आ गया दोस्तों, ये असली नज़ारा अंडर वाटर का, तो भाई साहब क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सजाया हुआ है। बढ़ते और आगे फिर आपको दिखाते हैं रंग बिरंगी मछलियाँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार।
रहा टनल। तो दोस्तों मैं सही बताऊं तो विश्व का सबसे लंबी टनल बताई जा रही है, तो सच बोलूं मैं कमेंट करके बता देना, कोई मेरे को अच्छा नहीं लगा खास। ठीक है, लंबी जरूर की है लेकिन जो ग्लास है ना पूरे में नहीं लगा हुआ था, बीच में जो पर्दे लगी हुई थी। चलिए ठीक है, जो भी है ठीक है, लेकिन इसमें एक बात बहुत बढ़िया है भाई साहब, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको टनल के होते हुए अंदर ही जाना है। ठीक है भाई, इच्छा है तो 100 रुपये टिकट लेके आप टनल देख सकते हैं अंडर वाटर टनल, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मेला में इंजॉय करो। और बाकी जो है नोएडा में और रोहिणी में, गुड़गांव में, द्वारका में जो लगा था भाई साहब, उसमें तो अंदर जाना है तो 100 रुपये टिकट लेके ही जाना है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो मेला बिल्कुल एंट्री फ्री है। टनल आपको दिखाया, पसंद आया तो आ जाना देखना भाई साहब। ठीक है यार, जो भी हो लेकिन टिकट भाई साहब 100 रुपये की अंडर वाटर टनल है। ठीक है, अब करते हैं बात मेले की। तो भाई साहब मेलों की बच्चों की टिकट की बात की जाए तो 50-50 रुपये की। ठीक है, और बड़े की झूले की बात की जाए तो आप जो देख सकते हैं उसके 150 रुपये है भाई साहब, जो ऊपर चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा भाई साहब आप गुब्बारे भी आके अपने निशानाबाजी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस झूले की तो 150 रुपये टिकट है। ड्रैगन ट्रेन और ड्रैगन ट्रेन में 100 रुपये एंजॉय करो भाई साहब। इसके अलावा दोस्तों बच्चों की टिकट 50 रुपये झूलों की। लस्सी पीजिए दोस्तों 20 रुपये में, दही की ठंडी लस्सी। तो गाइस इसके अलावा आप भूत बंगला भी देख सकते हैं ओनली 50 रुपये में। तो 50 रुपये में आप भूत बंगला भी देख सकते हैं अंदर भाई साहब, कैसे कैसे भूत है। काला जादू मैजिक सर्कस भी आप देख सकते हैं ओनली 50 रुपये में भाई साहब, काला जादू देखना जरूर। 50 रुपये में 6 रिंगे मिलेंगी आपको, जो इनाम निकलेगा वो आप जीत सकते हैं भाई साहब। न्यू भारत इंडियन होपला मनोरंजन रिंग स्टॉल। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। आपको चमड़ी मिल जाएगी 50 रुपये, टिक्की मिल जाएगी 50 रुपये में। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये इतने से में लगा हुआ है मेला। ठीक है, वो रहा अंडर वाटर फिश टनल, और ये देखो बच्चों के झूले हैं, वो बड़े झूले हैं 100 रुपये था, इसका 150 का था, 20 रुपये में सॉफ्टी खाई है। तो इस झूले की टिकट है 100 रुपये की। ठीक है, देखो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, अंधेरे में देख नहीं पा रहे, देखो पूरी लाइन लगी हुई है। मैं तो समझ रहा था भाई साहब नई भीड़ होगी, लेकिन इस झूले के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों छोले भटूरे भी आपको जो है 50 रुपये में मिल जाएंगे इस मेले में। तो दोस्तों मैंने पहला मेला तो कवर करके आपको दिखा दिया, जो कि इसमें अंडर वाटर टनल भी बना हुआ था। ठीक है, ये इसमें आने के लिए आपको जामा मस्जिद गेट नंबर 3 पे उतरना पड़ेगा। गेट नंबर 3 उतरते ही जस्ट बगल में लगा हुआ, अब चलते हैं दूसरे मेले में। ठीक है, दूसरा मेला भी जो लगा हुआ बिल्कुल जस्ट में लगा हुआ लाल किले की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं आप दूसरे मेले की तरफ। ये था पहला मेला। ठीक है, तो दूसरा मेला ये देखिए बिल्कुल जस्ट लगा हुआ, लेकिन यहाँ से जो है बंद कर रखा है, इसकी एंट्री जो है बाहर से करेंगे। चलिए चलते हैं फटाक से। तो गाइस हम जो है दूसरे मेले में एंट्री कर लिए दोस्तों, इस मेले का भी यही नाम है ईद मिलन मेला। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अंदर। तो गाइस इस मेले में जो आपको अंडर वाटर नहीं मिलेगा, अंडर वाटर जो है उस मेले में ही लगा हुआ था। ठीक है, इसमें ओनली मेला लगा हुआ है, एंट्री जो है बिल्कुल फ्री है। दोस्तों इस मेले में जो है ड्रैगन की टिकट 70 रुपये है और उस मेले में 100 रुपये थी। चलो इस मेले में जो 30 रुपये कम है। ठीक है दोस्तों, इस झूले की टिकट है 80 रुपये की। ठीक है, अभी फ़िलहाल बंद है, बढ़ते और आगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये बच्चों का झूला है, इसकी टिकट जो है 40 रुपये है, यानी कि उस मेले से 10 रुपये इस मेले में कम है। चलिए, उस मेले में 50 की टिकट थी, इसमें 40 थी। और आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, इसकी तो 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये वहाँ भी थी, यहाँ भी 100 रुपये। ठीक है, तो गाइस ये जो झूला है इसकी टिकट जो है 100 रुपये है। ये उस मेले में नहीं था झूला, इस मेले में आपको ये झूलने को मिलेगा। ये देखिए,
आप भूत बंगला देख सकते हैं, यहाँ पे भूत बंगला लगा हुआ है। तो दोस्तों 50 रुपये में एंजॉय करवाइए बच्चों को अपने, ओनली 50 रुपये में बच्चे मौज ले रहे हैं। आइए फटाफट, 28 अप्रैल तक लगने वाला है। तो गाइस ये था दूसरा मेला, ठीक है। अब बाकी है तीसरे मेले की, तो आप बैक पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में वो तीसरा मेला चल रहा है, ठीक है। ये है हमारा लाल किला। लेकिन टाइमिंग की बात की जाए तो दोस्तों ये 2:30-3 बजे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। शाम के 11-12 बजे तक चलता है, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग वैलिड है 28 अप्रैल तक, यानी 10 अप्रैल स्टार्ट हुआ, ये 28 अप्रैल तक चलने वाला है, ठीक है। दोस्तों ये दो मेले मैंने आपको कवर करके दिखा दिए हैं। इसमें दोस्तों कोई मार्केटिंग नहीं है, यानी कोई कपड़ा लगता ऐसी कोई नहीं है, ओनली झूले वूले हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। और अंडर वाटर देखने के लिए तो भाई साहब आपको पहले वाले में ही जाना होगा, तो जामा मस्जिद गेट नंबर 3 से आप एग्जिट होते ही आपको दिख जाएगा। उसमें अंडर वाटर टनल बनाया हुआ है, ठीक है, जो भी इसकी सबसे लंबी बताई जा रही है 600 फीट, ठीक है। लंबी तो थी, ठीक है, तो जो भी है ठीक है यार। ये तो आप चलते हैं तीसरे में, ठीक है। वहाँ क्या है, वहाँ भी सर यही होगा, फिर भी आपको दिखाएंगे, चलिए। तो गाइस ये है वो तीसरा मेला। तो दोस्तों ये तीसरा मेला अगर आपको देखना है तो ये बिल्कुल लाल किला गेट नंबर 4 से आपको एग्जिट हो जाना है। तो दोस्तों इसकी वीडियो जो है मैंने पहले भी ऑलरेडी बना रखी है, अपलोड कर रखा हूँ, लेकिन उसका टाइमिंग जो था वो होली महोत्सव मेला चल रहा था, होली तक का टाइमिंग था, तो ये अभी भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी जो है टाइमिंग बढ़ा दी गई है। चलिए अंदर अब कर बढ़ते हैं। तो हमने एंट्री कर ली है बॉम्बे डिजिटल फोटो स्टूडियो। हाँ तो ये भी पहले भी थे अंकल जी, लस्सी 20 रुपये, सब कुछ वही है। तो गाइस इस मेले में 30 रुपये 20 रुपये सेल लगी हुई है, सब कुछ वही है। कपड़े लीजिए 100 रुपये में, बच्चों के 100 रुपये सेल लगी है। ये देखिए इधर 50 रुपये में सेल लगी हुई है, ओके। तो गाइस इस मेले में भी आप भूत का मज़ा ले सकते हैं 50 रुपये में, वही सब कुछ है दोस्तों। इसमें टिकट भी वही रेट है, अब इसका टिकट दोस्तों 50 रुपये में आप बच्चों को झुला सकते हैं इस मेले में, 50-50 रुपये है, ठीक है। और इसकी तो 70 रुपये है दोस्तों। तो गाइस इस झूले की टिकट 100 रुपये में आप झूल सकते हैं। तो गाइस ये था वो तीसरा मेला जो मैंने आपको बताया था। ये मेला दोस्तों पहले होली तक लगा हुआ था, यानी अब इसकी टाइम बढ़ा दी है, ठीक है। अच्छा उसमें चेंजिंग क्या हो गई है दोस्तों, पहले जो मेले जो बच्चों के झूले थे ना 30-30 रुपये के जो झूले थे, जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ठीक है, 30 रुपये के झूले थे, तो उनका रेट जो है 50 रुपये कर दिया, जो 50 रुपये था उनका 20 रुपये कर दिया, यानी कि रेट बढ़ा दिए गए हैं। और टाइमिंग भी जो बढ़ चुका है, यानी 28 अप्रैल तक कर दिया गया इसका भी, ठीक है। ये देखिए इसका पहले 30 रुपये था, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो इसकी बना रखा हूँ, होली महोत्सव के नाम से है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। पहले रेट इनके कम थे, अब जो है इसकी टाइमिंग बढ़ा दी गई है तो रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं। और देखो दोस्तों उस समय बिल्कुल खाली खाली मेला था, बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा था, अब जो मेला भरा भरा चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप भी आना चाहते हैं तो फटाफट आइए, ठीक है। अंडर वाटर टनल देखना है तो आपको जो है जामा मस्जिद गेट नंबर 3 से एग्जिट हो जाना है, और इस मेले में आना है तो ये लाल किला गेट नंबर 4 पे एग्जिट हो जाना है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।